प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गुणज या मल्टीपल्स। आज के इस टॉपिक में हम कक्षा 5 से यूनिट हमारी इकाई है 6 और इकाई का नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणज यानी मल्टीपल्स। तो आज हम जो है गुणज बनाना सीखेंगे और आज के इस लेक्चर में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, आप क्या करने में सक्षम हो जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हमने सीखा है कि गुणज का अर्थ एवं परिभाषा, गुणज क्या है उसकी परिभाषा क्या है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। दूसरी जो बात हम सीखने वाले हैं वो है गुणज कैसे निकालते हैं, गुणज कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सीखने के लिए तो चलिए चलते हैं सबसे पहले गुणज या मल्टीपल की परिभाषा पर। तो देखिए परिभाषा में क्या दिया हुआ है, परिभाषा में हमने दे रखा है कि दी गई संख्या को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं दी गई संख्या के गुणज कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषा को ध्यान से समझना है। अब इस परिभाषा में प्यारे बच्चों क्या बताया गया है कि गुणज क्या है, इसके बारे में क्या बताया है कि जो भी संख्या है, जिस भी संख्या का हमें गुणज निकालना है, उस संख्या को यदि हम धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते जाएं, जितने भी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, अभी आपको बताया जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम दी गई संख्या को जिसका हम गुणज निकालने हैं, यदि उस संख्या से हम धनात्मक संख्याओं को गुणा करते जाएं, तो जो भी गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो उस संख्या का गुणज कहलाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों गुणज को समझने के लिए चलिए चलते हैं हम धनात्मक संख्याओं पर। अब धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। यहाँ पर हमारे धनात्मक पूर्णांक जैसे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से आगे तक जितनी भी गिनती आप पढ़ते जाओगे सभी के सभी क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। समझ गए, सबको क्लियर हो गया ये धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, पता चल गया। अब मान लीजिए कि हमें संख्या 2 के गुणज निकालने हैं, मल्टीपल निकालने हैं। तो हम कोई भी संख्या, मान लो हमने 2 संख्या ले ली है। अब 2 को हम अपनी परिभाषा पर आते हैं, तो परिभाषा को देखिए क्या हमारी परिभाषा थी, दी गई संख्या को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, और यहाँ पर हमारे ये सभी क्या लिखे हुए हैं, धनात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं। और हमारे पास संख्या है 2, हमें 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, गुणज निकालने हैं। तो जैसा परिभाषा में आपको बताया गया है आप वैसा ही करते जाएंगे और बिल्कुल आसानी से आप 2 के गुणज बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 2। अब 2 को हम पहले 1 से गुणा करते हैं, 2 को पहले किससे गुणा करते हैं, 1 से। तो 2 एकम कितना होता है, 2। या 2 का टेबल, 2 का टेबल आप पढ़ोगे तो 2 बन जा कितना बनेगा, 2। अब देखिए उसके बाद 2 को हम जो है धनात्मक संख्या हमारी दूसरी 2 है, इसी प्रकार से 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 4। इसी प्रकार से 2 को हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, 6। वेरी गुड। इसी प्रकार से 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो देखिए हमारे पास कितनी संख्या आएगी, 2 चौके 8। और इसी प्रकार से आप 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 को 5 से गुणा करने पर कितना है हमारे पास, 10।
तो प्यारे बच्चों, दो के हमारे पास देखिए कितनी ही बड़ी आसानी से हमने गुणज निकाल लिए। धनात्मक गुणांकों से गुणा करते चले गए हम। दो को एक से गुणा किया तो एक अम दो, दो दूनी चार, दो तीये छह, दो चौके आठ और दो पंजे दस। इसी प्रकार से हम सभी धनात्मक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे और हमारे दो के मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। अब इसमें आपने एक बात को बड़ा ही ध्यान से सुनना है, समझना है कि हमारे जो दो के मल्टीपल्स हैं वो सिर्फ छः तक ही नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आगे भी देखो डॉट डॉट लगा रखा है, यानी ये संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी और इनका कोई भी अंत नहीं है। तो आप दो के जो गुणज जो है वो कितने मर्जी ही निकाल सकते हैं। ऐसे धनात्मक संख्याओं से गुणा करते जाओ और दो के गुणज निकलते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दो के गुणज, दो के गुणज। तो देखिए हमने यहाँ दो के गुणज पांच तक निकाल लिए हैं, तो हम यही लिख सकते हैं। तो पहला क्या आया? दो, तो मल करते जाएंगे। दूसरा क्या आया? चार। तीसरा क्या आया? छह। चौथा क्या आया? आठ। पांचवा क्या आया? दस। और इसी प्रकार से यदि हम छः से फिर आगे सात आठ नौ दस जितना आगे तक चलते जाएंगे, दो से उनको गुणा करते जाएंगे, तो आपके दो के मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है गुणज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आप निकाल सकते हो? सभी बच्चे निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हमें जो है तीन के गुणज निकालने हैं। कितने के निकालने हैं? चलिए तो चलते हैं। अब तीन के गुणज हम यहाँ पर निकाल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि तीन के गुणज निकालो। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई संख्या क्या है? पहले जो दी गई संख्या क्या है हमारे पास? दी गई संख्या हमारी जो है वो है तीन। क्या है? तीन। अब हमें तीन के गुणज निकालने हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, ठीक है? तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। पहले स्टेप में क्या करेंगे? जो दी गई संख्या है परिभाषा के अनुसार उसको धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते जाएंगे और हमारे गुणज निकलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तीन को हम किससे गुणा करें? एक से। तो तीन को एक से गुणा करने पर क्या आया मेरे बच्चों? तीन एकम तीन, तीन एकम तीन। इसी प्रकार से फिर तीन को किससे गुणा करेंगे? तीन दुनी तीन दुनी इसी प्रकार से तीन को भी किससे गुणा करेंगे? अगली संख्या से गुणा करो तीन से। तीन को तीन से गुणा किया कितना आया? नौ। इसी प्रकार से तीन को चार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? और इसी प्रकार से तीन को फिर पांच से गुणा करेंगे पंद्रह। ऐसे ही तीन को छह से गुणा करेंगे अठारह। तीन को सात से गुणा करेंगे इक्कीस। तो ये सब जो है तीन छः नौ बारह पंद्रह ये सब क्या आए तीन के? क्या आए? गुणज। निकाल लोगे सभी? अब हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं तीन के गुणज। तीन के गुणज बराबर कौन कौन से आए हैं? तीन कोमा छः कोमा नौ कोमा बारह कोमा पंद्रह। और इस प्रकार से आगे गुणा करेंगे तो आगे भी निकलते चले जाएंगे। तो कितना आसान था गुणज निकालना, निकालो कैसे? अब यहाँ पर तो हमने परिभाषा के अनुसार गुणज को निकालना है, लेकिन इसका एक छोटा तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा, पहाड़ा। टेबल। यदि आप दो की टेबल पढ़ लेंगे तो वो दो के गुणज होंगे। यदि आप तीन की टेबल लिखेंगे तो वो तीन के गुणज होंगे। यदि आप चार की टेबल लिखेंगे तो वो चार के गुणज बनते चले जाएंगे। बना लोगे ना ऐसे? कितने बच्चे बना सकते हैं? वेरी गुड। तो सभी बना सकते हैं? चलिए मैं आपसे जो है पांच के गुणज पूछता हूँ, ठीक है? पांच के गुणज बनाने हैं।
तो पांच के गुणज बनाते हुए देखिए, बताइए सबसे पहले पांच का पहला गुणज क्या होगा? पांच। वेरी गुड। दूसरा क्या बनेगा? अरे वेरी गुड। तीसरा? पंद्रह। चौथा? बीस। और पांचवा? क्या ऐसे हम आगे भी बना सकते हैं? बिल्कुल। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे जैसे हम धनात्मक पूर्णांक, जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं हैं एक से लेकर आगे तक, उनसे गुणा करते जाएंगे तो आपके उस संख्या के गुणज निकलते चले जाएंगे। या आप किसी भी संख्या का पहाड़ा लिख दीजिए, उसकी टेबल लिख दीजिए, जहां तक हमसे पूछा है उतने तक लिख दीजिए, वो उस संख्या का गुणज होगा। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया आपके पास कि चार के पहले चार गुणज लिखो। पहले चार गुणज, तो पहला चार का पहला गुणज क्या होगा? चार। दूसरा गुणज क्या होगा? आठ। तीसरा क्या होगा? बारह। और चौथा क्या होगा? सोलह। यानी चार के पहले चार गुणज क्या क्या आ गए? चार एकम चार, गुणी चार, दिए चार चौके। तो इस प्रकार से हम जो है गुणज निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो आज का हमारा टॉपिक था गुणज की पहचान, परिभाषा और गुणज कैसे निकालते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला टॉपिक लेंगे गुणनखंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर सीखेंगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय।